नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज तारीख है 5 जनवरी 2022 और आज का डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ हम लोग शुरू करते हैं। बीच में ये जो सेगमेंट था डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ का, वो कुछ छूट गया था, तो इस साल से मैं वापस से उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और वीक में कोशिश करूँगा कि 3 से 4 एपिसोड हर दिन डालूँ डेली इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ का, और ऐसे जो रेगुलर वीडियोज़ है वो भी आते रहेंगे। तो पहला न्यूज़ कोरोना वायरस को लेकर है। इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने सेमी लॉकडाउन लगाया है कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को लेकर, और प्रिसाइजली ओमिक्रॉन का जो न्यू वेरिएंट आया है उसको कर इस बार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मतलब अजम्पशन नहीं बनाना चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा है। पिछला बार ऐसे बहुत सारे अफवाह बने थे डेल्टा वेरियंट के आने से पहले कि इंडियंस को इम्यूनिटी पहले से मिला हुआ है, गिफ्टेड है, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा डर्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनका बॉडी खुद ब खुद एक्लेमेटाइज कर लिया, इसीलिए कोरोना वायरस उन लोगों को ज़्यादा हार्म नहीं कर पाता है। प्लस इंडिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है और गर्म टेम्परेचर में कोरोना वायरस ज़्यादा ईजीली स्प्रेड नहीं होता, इस टाइप के कुछ मिथ्स फैलाए गए थे डेल्टा वेरियंट के आने से पहले। लेकिन जब डेल्टा वेरियंट आया तब सबको को वो गर्मी याद है, कितने सारे लोगों ने अपने क्लोज वंस को खोया था कोरोना वायरस के कारण। तो इसीलिए इस बार ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिस्क लेना चाहता है, और इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। स्टेट्स ने ये डिसीज़न अपने आप से लिया है। प्लस अभी जो हेल्थ वर्कर्स है गवर्नमेंट ने उनके लिए थर्ड डोज का अप्रूवल दिया है कि वो लोग थर्ड डोज उनको मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन्स है उनको और जो हेल्थ वर्कर्स है उनको लेकर कोविड वैक्सीन का थर्ड डोज अप्रूव किया है। और अभी गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जो 15 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कोरोनावायरस का वैक्सीन अप्रूव कर दिया गया है। हालांकि ये आप लोगों को कह दूं कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको केवल और केवल कोवैक्सीन मिलेगा, उन लोगों को कोविशील्ड नहीं मिलेगा। भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन 15-18 साल के बच्चों के लिए है। और यही है पहला न्यूज़, इंडिया में ओमिक्रॉन का बढ़ रहा, और मुंबई और दिल्ली में अभी केसेस पर डे 1000s के ऊपर रजिस्टर किए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी उतना ज़्यादा कोई क्राइसिस आया नहीं है, लेकिन ये पिछले साल भी हुआ था, क्राइसिस के आने से पहले का ये कंडीशन है कि मतलब इधर स्पाइक कर रहा है ग्राफ। और इंडिया में थर्ड वेव आने का जो प्रोबेबिलिटी है हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो है जनवरी एंड से लेके फरवरी के बिगिनिंग तक, और इसके बाद फरवरी के एंड होते होते ये जो थर्ड वेव है इंडिया में वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा। लेकिन अभी कोई भी इसको पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकता लेकिन अभी कोई भी इसको पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि फरवरी के बिगिनिंग तक ही थर्ड वेव इंडिया में आ जाएगा। पिछला बार जैसे हुआ था कि हम लोगों का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होते गया था लगातार 2 वीक तक के लिए, तो इस बार भी वैसे हो सकता है। तो सब अपना सेफ्टी बना के रखिए, प्लस अगर आपके घर में भी 15 से लेकर 18 के कोई बच्चे हैं तो उनको कोवैक्सीन दिलवा दीजिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज़ इज़राइल को लेकर है। इज़राइल ने अपने सारे सिटीजन्स को चौथे बूस्टर डोज के लिए अप्रूव कर दिया गया है। इज़राइल का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उन्होंने ये कहा है कि उनके जो भी सिटीजन्स हैं उनको कोरोना वायरस का फोर्थ वैक्सीन इमीडिएटली दिया जाए, मतलब सबको को एक बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसको बूस्टर डोज कहा जाता है, मतलब 2 वैक्सीन के बाद जो तीसरा लगाते हैं या फिर चौथा लगाते हैं तो उसको बूस्टर डोज कहते हैं। और यही हम लोगों के कंट्री में जो अभी थर्ड डोज दिया जाएगा हेल्थ वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को उसको प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं हम लोग के कंट्री इंडिया में। तो वही इसराइल में अभी चौथा डोज अप्रूव कर दिया गया है, और जो उन लोगों के प्रेसिडेंट है नफ्ताली बेनेट उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा है कि अभी कोरोना वायरस का केसेस जैसे वर्ल्ड में बढ़ रहा है और इसराइल भी इससे अछूता नहीं रह सकता, और इसराइल को इसीलिए चौथा डोज ले लेना चाहिए क्योंकि जो तीसरा डोज लिया था उसको लेकर 3 से 4 महीने हो चुके हैं और जो एंटीबॉडी में हम लोग के बनते हैं वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए फोर्थ डोज इसराइल में अप्रूव कर दिया गया है। और इसराइल ने जो ये फोर्थ डोज अप्रूव किया है ये पहला देश बना है, इसके बाद इसराइल को देखते हुए बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ भी शायद कर सकते हैं चौथा डोज अपने सिटीजन्स के लिए अप्रूव। और इसराइल पहला देश है जो अपने पूरे
और इसराइल पहला देश बना है जो अपने सारे सिटीजन्स को दो कम्प्लीटली दिलवा चुका है। थर्ड डोज का अभी तक पता नहीं है, मतलब कहाँ तक उनका स्टेटस है, लेकिन अपने सारे सिटीजन्स को उसने सेकेंड डोज तक कम्प्लीटली वैक्सीनेट कर दिया था। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थर्ड न्यूज़ के ऊपर, और तीसरा न्यूज़ है इंडियन आर्मी को लेकर। इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश के महाऊ में एक क्वांटम कंप्यूटिंग लैब का सेटअप किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे कि आप लोगों को बताऊं तो जो भी हम लोगों का कंप्यूटर है वो एक टाइम में कोई भी डेटा को जब प्रोसेस करता है तो उसको बिट के फॉर्म में करता है, मतलब या तो वो जीरो या फिर वन के टर्म में उस नंबर को ला देता है, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करके हम लोग को जो भी रिजल्ट या फिर आउटपुट हम लोग करते हैं वो देता है, ये सिंपल लैंग्वेज में। वहीं क्वांटम कंप्यूटिंग में होता ही है कि जीरो से लेके वन के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सब पॉसिबिलिटीज़ में कंप्यूटर अपना प्रोग्रामिंग कर है। प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग में एक साथ कंप्यूटर जीरो और वन दोनों को भी साइमल्टेनियसली ले सकता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग अभी जो न्यू रिसर्च होते हैं फिज़िक्स को लेकर वो सब होता है क्वांटम कंप्यूटर्स में ही होता है। आर्मी ने जो ये क्वांटम कंप्यूटर सेटअप किया है वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को देखते हुए किया है, क्योंकि आर्मी को भी पता है कि अभी फ्यूचर टाइम में वॉर कभी ऐसे फाइट नहीं किया जाएगा कि दो आर्मीज एक साथ स्टैंड अप कर गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे के ऊपर सीधा बंदूक से वॉर शुरू कर दे, वैसा नहीं होगा। अभी जो भी फिफ्थ जनरेशन का वॉरफेयर होगा वो मतलब कंट्री के इकोनॉमी को लेकर होगा, कंट्री के जो टेलीकम्युनिकेशन है उन सब को लेकर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक कंट्री का सैटेलाइट को दूसरा कंट्री हैक करके गलत इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, तो उस गलत इंटेंट के कारण हो ये सकता है कि जो आर्मी का फॉर्मेशन है वो सब गलत गलत हो जाएगा, प्लस सैटेलाइट गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तो इससे जब वो सैटेलाइट गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो उस सैटेलाइट का डेटा का जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो लोग का जो वर्क है वो भी हैम्पर होगा। और ये गलत इन्फॉर्मेशन वाला टैक्टिस बहुत सारे कंट्रीज करने की कोशिश करते हैं। रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया के जो भी हैकर्स हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि वो यूएसए का सेट को हैक करके इस टाइप के गलत इन्फॉर्मेशन को भेज सके। तो ये एक एग्जांपल हुआ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, और इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोग बाकी वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। और इसी के साथ ये वीडियो का एंड करता हूँ।